तो सबसे पहले आपको अपना एम एस वर्ड ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे एक न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइप कर लेना है। तो ये शॉर्टकट है, तो आप इक्वल इक्वल रेंड ब्रैकेट दोनों तरफ से एंटर लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको आना इंसर्ट पे। अब देखिए जिसकी भी वर्ड्स के बारे में आपको लिखना होगा, कुछ बोलना होगा, तो उस वर्ड्स को पहले सेलेक्ट कर लेंगे एंड हेडर पे जाकर क्लिक करेंगे कि आ गया बॉक्स। तो अब आपको कुछ भी टॉपिक पे लिखना होगा उसके बारे में, तो आप इसके बारे में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरे वर्ड्स के बारे में जैसे थीम है, थीम क्या है इसके बारे में लिखना है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड हेडर पे कॉमेंट्स पर जाकर क्लिक करेंगे। अब इसके बारे में जो भी कुछ वर्ड्स आपको अगर टाइप करना होगा यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जिस भी वर्ड्स के बारे में कुछ लिखना होगा वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड कॉमेंट पे जाकर क्लिक करेंगे एंड कुछ भी उसके बारे में टाइप कर लेंगे। इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर किसी कमेंट्स को अगर आपको डिलीट करना होगा तो उस कमेंट पे जाके यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करेंगे एंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिलीट कमेंट, यहाँ पे क्लिक करने पर आपका कमेंट डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते आगे हेडर पे। तो जब देखिए हेडर पे नीचे यहाँ पे एरो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक्स स्टाइल देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इसमें कोई भी स्टाइल को ले सकते हैं। तो चलिए इसमें से कोई भी स्टाइल को ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एक पे एंड इसको देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि उसके हेडिंग के बारे में। तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एम एस वर्ड ब्रैकेट कॉमेंट एंड फुटर। इतना लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, एंड होम पर जाएंगे एंड यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे फ़ॉन्ट को, मतलब बड़ा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप फ़ॉन्ट्स को बड़ा भी कर सकते हैं एंड बोल्ड्स एंड इसको अलग अलग डिज़ाइन में इसको सजा भी सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। एंड कलर की बात है, कलर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप इसमें कोई भी कलर्स का यूज कर सकते हैं। एंड इसका देखिए ये साइड जो बना हुआ, आप इसका डिज़ाइन जो है सो आप इसको ले कलर्स में कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कोई कलर्स को ले लेंगे एंड यहाँ पे भी क्लिक करेंगे एंड इसमें भी कोई कलर्स ले लेंगे। तो देखिए अभी बहुत सारे कलर्स लेने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे आप कोई भी कलर्स ले सकते हैं, ठीक है। एंड बैक में भी एक है, तो बैक में भी कोई भी कलर्स ले लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे ईयर जो है सो आप इसमें चूड़ी डाल सकते हैं, ठीक है, एंड तो ये हेडर्स लगा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आता है यानी कि फूटर्स। तो क्या करेंगे, जाएंगे इंसर्ट पे और देखिए क्या होता है कि हेडर पर जब आप क्लिक करिएगा तो नीचे में ये भी आता है रिमूव हेडर एडिट हेडर। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो फिर से आप इसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको इसमें कुछ भी चीज़ जैसे अगर रिमूव करना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिमूव भी हो जाएगा, देखिए हट गया। फिर से लाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए फिर से आ भी जाएगा। एंड जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट टैब पर, उसके बाद फूटर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए फूटर में भी सेम वही होता है, आप इसमें कोई भी डिज़ाइन जैसे आप इसमें ले सकते हैं कि बहुत सारे टॉपिक हैं, डिज़ाइन है, जैसे यहाँ पर ये है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए नीचे में आ गया है बॉक्स, देखिए इमेज और यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे आप कोई भी चीज़ यहाँ पर ले सकते हैं एंड यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, एंड होम पर जाके इसे बड़ा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है इसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको इसको नहीं रखना है तो आप उसको वहाँ से जाके यहाँ पे जाके इसको यहाँ से नीचे में रिमूव यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है सो कमेंट्स एंड हेडर एंड फुटर्स का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि आप पेज नंबर्स का यूज कैसे कर सकते हैं एंड टेक्स्ट बॉक्स एंड क्विक पार्ट्स सभी का बताएंगे आगे चलकर, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो और भी मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।